दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी कोरबा में भी भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में सुबह प्रभात रैली निकाली। 6 अप्रैल 1980 ये वही ऐतिहासिक दिन है जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की नींव रखी गई थी। शुरुआती समय में भाजपा में काफी कम सदस्य थे, लेकिन आज पार्टी में करीब 18 करोड़ सदस्य बन गए हैं। पूरे देश में पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी कोरबा में भी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया। भाजपा का स्थापना दिवस 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उस दिन से लेकर के आज करीब 42 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को हो चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पवित्र दिवस है। भारतीय जनता पार्टी जो कि शुरू में बहुत ही कम कार्यकर्ताओं से शुरू होकर के आज करीब 18 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं वाली देश की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका स्थापना दिवस हम भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा वाले सभी यहाँ पर मना रहे हैं। सुबह सुबह आज भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद एक शोभा यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई और भारतीय जनता पार्टी जो कि चाहे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में या अभी 2014 से नरेंद्र भाई मोदी जी के अब तक के कार्यकाल में निरंतर ही विकास करती आई है और जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर परम वैभव शिखर की ओर अग्रसर हो रही है। मैं पूरे देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी कोरबा परिवार एवं पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां अपने इस स्थापना दिवस की देता हूं। हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पूरे विश्व में आज राजनीतिक दल में सबसे बड़ी पार्टी है। और पार्टी नहीं, पार्टी के अंदर अपना एक लोकतंत्र है जो आज भी उसको सारे कार्यकर्ता मानते हैं। जनसंघ से लेकर जो सफ़र शुरू हुआ कुछ कालखंड में जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना हुई और आज पूरे देश में अधिकांश राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक समय ऐसा भी आया था कि जब इस देश में 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी का चुनकर आए थे तो विपक्ष हम पर हंसता था, ठहाके लगाता था कि क्या इस पार्टी का भविष्य है। लेकिन आज पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में आज सरकार इस देश में चल रही है और हमारा एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी 5 तत्वों को लेकर और काम करती है, 5 निष्ठाएं हैं हमारी कि जो एकात्म मानववाद है कि जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका कैसे उत्थान हो, ये पार्टी की मूल विचारधारा है। अगर हमारा मानना है कि अगर अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा तो संपूर्ण विकास होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद, ये सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज के इस 42वें अवसर पर, स्थापना दिवस पर, मैं सबको अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं 42वें वर्षगांठ के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर सबको बधाई देता हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे जिलों में, स्टेट में, जिलों में, और हम लोग जो आपने देखा है इस सवेरे प्रभात रैली, ये बूथों पे बूथों तक जाएगी और शक्ति केंद्रों तक जाएगी। और अपन स्थापना दिवस आज से 6 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक, अंबेडकर की जयंती तक कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे, चाहे वो बूथ लेवल पे हो। मैं पुनः आप सबको स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।